समाचार जो विस्तार थी लोकसभा चूंटणी માટે શુક્રવારે જ્યાં 102 બેઠકો પર મતદાન થઈ રહ્યું છે ત્યાં હરીફાઈ લગભગ 50-50 છે। भाजप तमिलनाडु में विपक्ष ना गढ़ ने तोड़वानो पूरेपूरो प्रयास कर रही है, परंतु डीएमके और कांग्रेस सहित भारत गठबंधन समूह तेनो किल्लो बचावानो विश्वास धरावे छे। तेवी ज रीते विपक्ष हिंदी पट्टाना ते विस्तारों में पोतानी हाजरी स्थापित करवानो प्रयास कर रह्यो छे, ज्यां भाजपे तेनो सफायो कर्यो हतो। प्रथम तबक्का में तमिलनाडुनी तमाम 39 बैठक पर मतदान थशे। अहीं डीएमके और कांग्रेसनी आगेवानी हेठळ गठबंधन चूंटणी छेल्ली सफायो थयो हतो। आ वक्त भाजपा नाना सहयोगी दलों साथे घणी बैठकों पर मजबूती थी चूंटणी लड़ी रह्यो छे। एआईएमडीएमके ए हरीफाई ने त्रिकोणीय बनावी छे। बंगाल में भाजपनी सीधी टक्कर तृणमूल कांग्रेस साथे छे, परंतु प्रथम तबक्का में जे 3 बैठकों पर मतदान थई रह्यु छे त्यां छेल्ली चूंटणी में भाजपनो हाथ हतो। छत्तीसगढ़ में बीजेपी नुं वर्चस्व होवा छतां बस्तर सीट के जेना माटे पहला तबक्का में मतदान थवानुं छे ते गत वखते कांग्रेस पासे गई हती। आ वखते स्पर्धा खूब ज नजीक होवानुं कहेवाय छे। मध्यप्रदेश में छिंदवाड़ा कांग्रेस ना नेता कमलनाथ नो गढ़ रह्यो छे, परंतु आ वखते चूंटणी नो संघर्ष रसप्रद छे। उत्तर पूर्व भाजप नो दबदबो रह्यो छे, परंतु आ वखते कांग्रेस घणी बैठको पर स्पर्धा में जोवा मळी रही छे। जो आपणे छेल्ला लोकसभा चूंटणी नी वात करिए तो आ 102 सीटों माथी यूपीए ने 45, एनडीए ने 41 सीटों जीती हती। आ वलण मुजब हरीफाई खूब ज नजीक होवी जोईए, परंतु राज्यवार चित्र समान नथी। महाराष्ट्र में स्थानिक समीकरणों संपूर्णपणे बदलाई गया छे। बन्ने पक्षे नवा सहयोगीओ छे। बिहार में जमीनी वास्तविकता पण बदलाती रहे छे। यूपी में छेल्ली चूंटणी में सपा अने कांग्रेसनी साथे बसपा हती, परंतु आ वखते बसपा अलगथी लड़ी रही छे। हवे जोवानुं ए रहे छे कि सपा कांग्रेस गठबंधन भाजपने केवी रीते पड़कारमां सक्षम छे। अपना कर्तव्य है, मतदान अपना अधिकार है, 100% मतदान होना चाहिए, इसलिए आज पहला काम मैंने मतदान का किया है। आप जा रहे हैं? मुझे छिंदवाड़ा के जनता पर पूरा विश्वास है। वो सबसे बड़े गवाह हैं पिछले 44 साल का इतिहास का, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वे सच्चाई का साथ देंगे। चरण है, मतदान का अवसर है। मैं सभी से आह्वान करता हूं अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। अधिक से अधिक मतदान लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। आप सुबह से ही निकल चुके हैं मतदाताओं के बीच, अभी आप जाएंगे, क्या रुख नजर आ रहा है अलवर के मतदाताओं का? सारा सकारात्मक रुख है, पॉजिटिव है, सब ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। धन्यवाद। लोकतंत्र का पर्व है आज, और आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि प्रथम चरण में 102 लोकसभा की सीटों पर मतदान है, और राजस्थान की भी 12 सीटों पर मतदान है, और बीकानेर उसमें सम्मिलित है। इसलिए हमारे लिए, बीकानेर वासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए, देशवासियों के लिए आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि प्रथम चरण से विकसित भारत की एक मजबूत नींव रखी जाएगी आज के दिन मतदाताओं के द्वारा, ऐसा मेरा मानना है। छिंदवाड़ा की जनता सच का साथ देगी, और 44 साल हमने सेवा किया, मुझे पूरा विश्वास है छिंदवाड़ा की जनता अपना पूरा प्यार और आशीर्वाद हमें देगी। क्या कहेंगे लोगों से? मैं यही कहूंगा कि आज यहाँ मतदान का दिन है, और ज्यादा से ज्यादा अपने मत का प्रयोग करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के तीसरे कार्यकाल जो ऐतिहासिक होगा, 400 सीटें से पार होके प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, और मुझे पूरा आशीर्वाद है कि आज पीलीभीत की जनता का भी आशीर्वाद मिलेगा और कमल का फूल प्रचंड बहुमत से चलेगा। और बीएसपी भी यहां दावे कर रही है अपने जीत के, और आपको भी बाहरी होने का चांस? वो हर बार दावे करते हैं, जनता उनको देख चुकी है, उनके ना प्रोग्राम्स है, ना पॉलिसीज है, ना कोई कुछ विचार है। ये मोदी जी के 10 वर्ष का जो कार्यकाल रहा है उसके आधार पे जो ट्रैक रिकॉर्ड है, काम किया है, और आने वाले 5 साल में जो काम करेंगे उसके आधार पर जनता का समझ। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र, सबसे बड़ा महापर्व है, और आज का दिन मतदान का दिन है। आज मतदान के दिन की शुरुआत हमने भगवान कंडोला देवता से शुरू की है, और इसके बाद जाके मैं अपने गांव में जाके वहां मतदान करूंगा। और जिस तरह से हम सबसे आग्रह भी करते हैं कि पहले मतदान फिर जलपान, तो आप सब लोगों के साथ फिर वहीं जलपान करेंगे, और आप लोगों से एक एक करके सबसे बात भी करेंगे। मेरा आप लोगों के माध्यम से पूरे गढ़वाल लोकसभा, उत्तराखंड में जितनी हमारी 5ों लोकसभा है, और पूरे देश की 102 लोकसभाओं में सभी लोगों से, युवाओं से, माताओं बहनों से, बुजुर्गों से सबसे आग्रह कि भारी संख्या में निकले, मतदान कीजिए, और इस लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। परीक्षा की घड़ी आपके
परीक्षा की घड़ी मान लिया। देखिए कहीं कोई मुकाबला नहीं है, पूरे लोग मन बना चुके हैं और मैंने अपने जीवन काल में ऐसा चुनाव नहीं देखा कि जो चुनाव एकतरफा चुनाव हो, और लोगों ने पहले से ही मन बना रखा था। जैसे ही हमारी पार्टी को सिंबल हमारे झंडे को देखते थे सब लोग कहते थे अब की बार 400 पार। सिर्फ पहाड़ के मतदाता इस बार रिकॉर्ड मतदान करेंगे, 100% पूरा मतदान करेंगे और देश को विकसित बनाने का जो मार्ग है उसको प्रशस्त करेंगे। बहुत धन्यवाद करने के लिए जा रहे हैं सर, क्या आपके आज लोकतंत्र का उत्सव है, मैं सबसे अपील करता हूं कि सभी मतदान करें और अच्छी सरकार चुने। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल देश ने प्रगति को छुआ है, आसमान को छुआ है, पूरी दुनिया के अंदर भारत का डंका बजा है, भारत का मान सम्मान बढ़ा है, वैश्विक पहचान बढ़ी है, गरीब कल्याण हुआ है, देश के अंदर सुशासन हुआ है, भ्रष्टाचार पर रोक लगी है, पारदर्शिता व्यवस्था आई है, तुष्टिकरण समाप्त होने की ओर बढ़ रहा है, परिवारवाद समाप्त होने की ओर बढ़ रहा है। मोदी जी एक सशक्त भारत बनाना चाहते हैं, सशक्त उत्तराखंड बनाना चाहते हैं। 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उनका संकल्प है, हमें उनके संकल्प को पूरा करना है। 400 पार का जो नारा है, 400 पार के नारे को सहयोग करना है और हर उत्तराखंड वासी को अपना इस महायज्ञ में अपना योगदान देना है। सर आपका आह्वान ही रहता है कि पहले मतदान फिर जलपान करें। जी हाँ, पहले मतदान फिर जलपान। तो समाचारों में आगे